Amid demand to ban loudspeakers at mosques in Maharashtra, the state home minister Dilip Walse Patil has made it clear that there are no court orders for such ban. Raj Thackeray earlier led MNS had in fact started opposing loudspeaker azan from mosques, issuing an ultimatum to state governments to shut down the practice latest by the 3rd of May. मैं सबको कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी कानून हाथ में न ले, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर है वो बहुत स्पष्ट है. उसमें ये लाउडस्पीकर निकालने के लिए कहीं भी कहा नहीं है. उन्होंने डेसिबल की मर्यादा रखी हुई है. और दूसरी बात यह है कि रात को 10 बजे से लेके 6 बजे तक स्पीकर लगाने के लिए पाबंदी लगाई. इसके बारे में मुंबई के पुलिस और महाराष्ट्र के पुलिस जो मुस्लिम संगठन है उनके साथ बात कर रही है और उनको ये बता रही है कि जो कानून है वो कानून का पालन आप भी करें. तो मेरे ख्याल से उनके तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है. तो इधर झगड़ा लगाने के बाद है, हमारा हिंदुत्व हमारे घर में है, हमारा हिंदुत्व हमारे रग रोगों में है. हम हिंदुत्व करके हम दूसरे धर्म को कम नहीं करते है. और जिस तरह ये माहौल तैयार किया जाता है और आज दो दिन में वो नवनीत राणा और रवि राणा जो बात कर रहे हैं, वाइस सिक्योरिटी मिलने के बाद उनकी बात बहुत बढ़ गई है. और हम आके इधर ही हनुमान चालीसा कहें बोलेंगे, क्यों सम्मान क्या आपका, आप तो अपक्ष है, हमारे साथ कभी थे ही नहीं, तो आपका सम्मान क्या है. जानबूझकर कुछ गलत करना और लोगों को उकसाना, ऐसे 10 रावण की फेस ये महाराष्ट्र में तैयार हुए है, उसमें 2 रावण तो अभी सामने आए, बाकी 8 रावण तो देखेंगे बाद में. Well, amid the loudspeaker row, Aam Aadmi Party leader Raghav Chadha has said that the party believes in old religion and we shouldn't try to disintegrate this country. Let's listen in. हम आम आदमी पार्टी वाले सारे धर्मों में विश्वास करने वाले लोग हैं. इस देश को मत बांटिए, इस देश को अच्छी शिक्षा, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक, अच्छे स्कूल चाहिए, उस दिशा में काम करिए.